हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आई थिंक यू अभी सोच रहे होगे कि वीडियो दिखाने से पहले व्हाई आई एम शोइंग यू दिस ऑल क्वेश्चंस, बिकॉज वन ऑफ माय स्टूडेंट ही टोल्ड मी दैट सर इफ यू शो द क्वेश्चन एंड देन आंसर इट्स बेटर बिकॉज सम ऑफ यू डजेंट हैव दिस एनसीईआरटी बुक ऑल्सो. तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है. अभी मैंने देखो 3.9, तो मेरा एक्चुअली क्या था 3.12, तो लास्ट डे शायद मैंने 1, 2, 3, 4 किया था. तो इट इज़ ऑल उसके आगे 3 लगा लेना, 3.1, 3.2, 3.3. सो अप टू 3.8 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व. सो टुडे आज हम लोग जाएंगे व्हाट 3.9 की तरफ. इज इट राइट? सो व्हाट इज दैट 3.9? क्लियर इट इज? यस डियर स्टूडेंट. नाउ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने, देखो थोड़ा सा मैं रफली तुमको बता देता हूँ. जैसे इज इट राइट, इफ इट इज विजिबल हियर इन दिस साइड, यहाँ पे अगर विजिबल है तो आई कैन नो इट इज नॉट. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ इसमें. सपोज इज इट क्लियर अप टू, तो हियर वी कैन विजिबल. सो लुक एट हियर, दिस इज है ना, ओके साइड में भी जगह नहीं है, प्रॉब्लम है. ओके सपोज दिस इज अ बस है ना इन वन स्टेशन एंड दिस इज अ बस इन द अनदर स्टेशन एंड द रेगुलर इंटरवल मतलब हर टी सेकेंड में वो छोड़ता है. तो सपोज टी सेकेंड में वो छोड़ा और वो यहाँ पे पहुँचा है ना. अब इसका जो डिस्टेंस था एस है, इज इट राइट? सिमिलरली उसका भी वही है, बट एक साइक्लिस्ट एक साइकिल चला के जा रहा है, राइट? एक साइक्लिस्ट इससे जब मेल करता है, सो यानी कि वो भी स्पीड में जा रहा है, वो भी स्पीड में जा रहा है, तो दे आर रिलेटिव वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन. देखो मैंने सेम डायरेक्शन में लिखा. और जब वो मिलता है तो उस वक्त 18 सेकेंड में उसको मिलता है, इन द 18 सेकेंड ही मीट. तो 18 सेकेंड में डेफिनेटली तो टाइम इनटू स्पीड क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा. लेकिन बस का भी जो रेगुलर छोड़ने वाला डिस्टेंस है उसके साथ बराबर है. सो लुक एट हियर द बस लीव आफ्टर एवरी टी सेकेंड इन आइदर साइड. तो ये डिस्टेंस हो गया बस, बस जो यहाँ तक पहुँचा, दिस इज द डिस्टेंस. And this is what? This is the distance of relative. जब वो उससे मिलता है तो भी तो as distance cover करता है ना. So that means what? They both are equal. तो मैंने इन दोनों को equal बना दिया. Clear? Similarly, the bus which is coming from the either side, जब वो आके इससे मिलता है तो उस वक्त होता है तुम्हारा 6 सेकेंड. और इवन बस का भी तो अपना डिस्टेंस है, वो तो खैर यहाँ पे जब टी इंटरवल में छोड़ता है तो ऐसे ही होगा तुम्हारा. तो ये तो डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा, इज इट राइट? सो द डिस्टेंस हियर, अब जब इससे मिलता है तो 6 सेकेंड में, तो ये रिलेटिव है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी विद द टाइम, तो ये हो गया, ये भी एक डिस्टेंस बनाता है, तो ये भी इक्वल हो गया. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं डिस्टेंस दो चीज बोल रहा हूँ, एक तो बस का इंडिविजुअली और एक रिलेटिव के साथ, इज इट राइट? तो दोनों का तुम्हारा क्या होगा, इसमें इक्वल हो गया. नाउ अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 3 को हम लोग क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे ना, आई विल गेट द आंसर हियर, इज इट राइट? सो इफ आई विल कंपेयर दिस है ना, कंपेयरिंग इक्वेशन है ना, कंपेयरिंग इक्वेशन 5 and what 3 व्हाट विल गेट, इज इट राइट? सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जस्ट मैं यहाँ पे दिखा दिया, देखो एक ही बार में. सो दिस इज कंपेयर कर दिया दोनों इक्वेशंस को, आफ्टर कंपेयरिंग यू आर गेटिंग दिस साइड. ये देखो ये दोनों साइड इक्वल है इसलिए तो 1 आ जाएगा. एंड दिस इज 18/6. फ्रॉम देयर वी गॉट वी वी इज इक्वल टू 2 VC, इज इट राइट? यू ट्राई, अगर नहीं मिलता तो देख लेंगे. एंड VC इज ऑलरेडी गिवन एज ए 20 km/h, तो वी गेट द VV है ना, दिस इज गिवन. आफ्टर दैट जब टाइम पीरियड पूछा तो इक्वेशन नंबर 1 देखो, VV माइनस VC था 18/60 इक्वल टू VVT/60, द टी यू विल गेट एज ए व्हाट 9 मिनट्स, इज इट राइट? ओके थैंक यू. यस डियर स्टूडेंट, फॉर द क्वेश्चन नंबर 3.10A ऑप्शंस, इट इज रिटन दैट प्लेयर थ्रो अ बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड 29.4 m/s. What is the direction of the acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity, whether you throw up or in down, acceleration due to gravity is always, it is in the, ये due to the gravity में है. तो उसका direction हमेशा किधर रहेगा, तुम्हारा downward ही रहेगा, is it right? If I'll say the direction of acceleration is always toward the ground, so that's why it is always downward, is it right?
And if I see the velocity and the acceleration of the ball at the highest point of its motion, then what do you say about this? So you will say the velocity, if I say the B, the V at the highest point, whenever a ball reach at the highest point, then your velocity becomes zero and the ball acceleration due to acceleration is always toward the ground, yani always downward hi rahega. Is it right? This is very simple question. Is it clear? And if I see the C1, is it right? So hum log C mein aate, this is little thoda sa samajhne wala baat hai. So in the C they have written that choose X is initial at the highest point. Highest point ko maine choose kiya hai aur ball is now it is falling downward. Is it right? When the time is also zero. Now you choose your starting point is the highest one. Wahan se humko choose karna hai. After that they have asked the question, if I'll throw upward. So let me write first the upward, hai na? Upward motion. So when we throw a ball in the upward in direction, to main isi mein upward ko dikha deta hu, right? Let me throw a ball in the upward. Since your starting point is in the downward, तो यानी कि यहाँ से positive जा रहा है, अब तुम उसके against में जा रहे हो, तो definitely your first, let me write the position, है ना? The position. What happened to the position? Position is definitely against. That means what? ये तो negative में आ गया. You got my point or not? This is starting है, तो ये positive and this is negative. So definitely this direction is negative. If your position is negative, definitely your velocity you will get as negative, as we have already discussed in the graph, hai na? Isme bhi tumhara aa jayega negative. Velocity will become as a what? Negative. Clear? Now about the acceleration. What happened to the acceleration? Is it right? So now, my dear, it's very simple that how we find the acceleration. Is it right? Acceleration is equal to change in velocity. Is it right? And now tell me, जब ये ball ऊपर की तरफ जाता है तो velocity decreasing में जाता है, है ना? तो decreasing मतलब zero में जाता है. तो acceleration का मतलब change in velocity. तो पहले zero minus और ये negative में बोला था तुमने. So suppose zero minus what? Here it is some value. Let me take कोई भी एक value को ले सकते हो तुम. Suppose it is plus or minus, है ना? Let me take what? Suppose in starting is 10, but 10 you said it is velocity is negative, so minus minus is now plus by 10, so acceleration here coming what? Positive. Simple example. Now downward, in the downward motion, what happened to the downward motion? Whenever the ball coming in downward, it is toward the direction of the displacement. तो मेरे ख्याल से तुम्हारा पोजीशन क्या हो जाएगा? Your position is positive. Let me write this. Yeah? And what happened to your velocity? Definitely your velocity will be also positive. But when we come, your velocity is increases, है ना? तो तुम्हारा velocity क्या होता है? Increasing होता है. तो last वाला value है ना सबसे ज़्यादा होता है. तो here acceleration is again positive because suppose 10 and it is प्लस, वेलोसिटी प्लस में है, तो एक्सीलेशन इज इक्वल टू चेंज. सपोज 5 इंक्रीजिंग में है, तो आई थिंक 5 टू 10, लेट मी टेक द एग्जांपल, इज इट राइट? माइनस, सो आई थिंक इट विल कम एज अ पॉजिटिव अगेन. सो हियर आल्सो पॉजिटिव, हियर आल्सो. ये तुमको साइन पूछा गया है इसमें. इज इट क्लियर? यस यस. फॉर दिस डी राइट, ऑलरेडी इट इज रिटन दैट अ बॉल थ्रोन द व्हाट इन द which directions? In the upward, है ना? Upward directions में throw कर रहे हो तुम, and definitely your initial velocity is your, how much it is? 29.4 meter per second. Definitely when you reach the final, your velocity will be zero. So they have asked that how much high it is, height क्या होगा तुम्हारा, right? So I think you will use which equations then? By using v square is equal to u square plus 2 A become G and S. Since the body is moving in upward direction, I will use the plus concept. Initially already यहाँ पे तुम्हारा final zero हो चुका है, right? Object is it is moving in, is it right? Your acceleration, definitely your acceleration due to gravity. So here I can say what? That yeah, zero is equal to what? 29.4 of whole square, is it right?
and since it is moving up, so I will say use minus 2 g, g has become 9.8 ka istemal kiya tumne yahan pe, is it right, cross into s become h. So I think you can find your height, it is 29.4 whole square by 2 into 9.8, hai na? So let me write the answer for you by doing the calculation. Already I have done this and I got the answer is 44.1, which is meter. ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना? And when you going to find the time, कोई भी equation लगा सकते हो तुम. Y V is equal to U plus what? AT, A become your G. So I can use this GT also. 0 and here it is 29.4 minus once again 9.8 into T. So I think you can get your answer is 2.94 by 9.8. है ना? 2.94 and 9.8, है ना? So here you got your answer. Time, है ना? कितना time मिला तुमको? Here I think you got near about 3, is it right? So when it return back to your, so definitely total time कितना हो गया? 3 into 2 लगा सकते, 3 to the 6, है ना? But you know, ये तो हो गया, मैंने यहाँ पे देखो 3 into 2 कर दिया, इसको एक ही बार में भी आंसर दे सकते हैं. The ball is moving upward, which is against the display. फिर वो जब हाथ में आ जाएगा, तो displacement कितना हुआ? 0. So if I use this equation, half of 80 is square, this definitely becomes z. So total time यहाँ से निकल रहा है. यहाँ पे into करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. Your displacement becomes 0. Initial I know, is it right? Is become g minus. So ut, is it clear? Ut minus what? Half of what? Gt square. So you can see your t is equal to, है ना, एक t cancel भी हो जाएगा, your t is equal to u by 2u, sorry, 2u by what? Gt. देखो यहाँ पे भी वही use है, u by g, है ना? तो I think, sorry, my फिर से t cancel, ये t आ गया. Clear it is or not? So यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, देखो already ये 2 से multiply हो जाता है. So it depends on you, that कौन सा equation तुम apply करोगे, कैसे निकालोगे इसको. Is it clear? Okay, thank you.